किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बात करते हैं इंदौर मंडी के प्याज के भाव को लेकर। किसान साथियों, प्याज के भाव की नीलामी की अपडेट हो चुकी है, नीलामी शुरू हो चुकी है। तो आज इंदौर मंडी में कैसा माहौल देखने को मिला है, इंदौर मंडी में कितनी उठापटक देखने को मिली है, अभी तक का जो माहौल है कितनी तेज़ी कितनी नरमी के साथ आज देखने को मिला है, क्योंकि नीलामी की रिपोर्ट भी आ चुकी है और नीलामी भी चालू हो चुकी है इंदौर मंडी में। जैसे कि किसान साथियों, आज आपको पता है 3 मार्च दिनांक 2021 हो चुका है, मतलब 3 मार्च 2021 को कैसा माहौल देखने को मिला है। तो सारी जानकारी सारी अपडेट के साथ हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी अवगत कराएंगे। चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है हमारा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो किसान साथियों, अगर बात करें प्याज की टॉप क्वालिटी की बोली की, तो 2800 रुपये तक के भाव में देखने को मिली है। वहीं पर सुपर क्वालिटी का जो प्याज है वो 2400 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। अगर लड्डू प्याज की बात करें तो 1900 रुपये से लेकर किसान साथियों 2300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। गोल्डन प्याज की बात करें तो 1400 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं पर छोटे प्याज की बात करें तो 900 रुपये से लेकर 1300 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। और ख़राब प्याज की अगर बात करें तो 500 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। अगर किसान साथियों ऑल ओवर मंडी की बात करें तो ऑल ओवर मंडी में आज 200 रुपये की जो नरमी है वो देखने को मिली है। पूरी कल की अपेक्षा आज 200 रुपये की जो नरमी है वो किसान साथियों पूरी मंडी में आज देखने को मिली है। इसका कारण यही है, किसान साथी जो कच्चा प्याज है वो मार्केट में ज़्यादा अवस्था में ला रहे हैं।